आज मार्केट से दवाई खत्म हो चुकी है और बिक गई, आप खरीद करके सिर्फ रख रहे हैं घर में, उस दवाई के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं। कि किसी अफवाह में फंस करके दवाई खरीद करके अपने घर में न रखें, वह दवाई किसी काम का उनके लिए नहीं होगा। ये कंपनियां की दवाई बिकेगी लेकिन आपको कोई लाभ नहीं होगा। एस्पायरोडर्मा क्यों, एक ऐसा टॉपिक जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस में बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप इस दवाई का 2 बूंद लो, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। एनीवेज, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अलीशा। ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस है, देर इज़ नथिंग गोइंग टू बी वेरी फनी। अगर आप कुछ फनी कॉन्टेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगर टाइटल थंबनेल देख करके आए हो तो वेलकम, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, आपके अवेयरनेस के लिए है। व्हाट्सएप पे 1 साल पहले एक सिस्टम किया गया जिसमें कि कोई भी मैसेजेस को आप 5 लोगों से ज़्यादा को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। उसका एक रीज़न था, वो क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि ये इस टाइप के मैसेजेस, इस टाइप के न्यूज़, एस्पायरोडर्मा क्यों आप लो, उससे आपका ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, आप वो जो ब्लैक सीड्स होती हैं कलौंजी में लहसुन या कपूर डाल के लो, आपका ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। मेक्स नो सेंस। किसी की जान जा रही है, देर आर इनोसेंट पीपल जो आपके मैसेजेस को देख रहे हैं, उनके ब्रेन को क्यों वॉश करना। और एक चीज़ बस प्रैक्टिकली सोचो गाइस, अगर ये चीज़ें लेने से आपका अगर ऑक्सीजन बढ़ जाता तो गवर्नमेंट को सऊदी अरब से या दूसरे जगहों से ऑक्सीजन इंपोर्ट नहीं करना पड़ता इतने हाई अमाउंट पे, इतना हाहाकार नहीं मचता, एक कलौंजी को सूंघ करके लोग बच जाते हैं। आई एम वॉचिंग पीपल डाइंग ऑफ लंग फेलियर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑक्सीजन, और इवन इफ इट इज़ अबाउट द ऑक्सीजन, सो दिस मेडिसिन इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग चेंज। इतनी चीज़ों को, इतना न्यूज़ को पढ़ पढ़ के मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि आई थॉट कि इसके बारे में एक वीडियो बननी चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली एक ओरिजिनल पर्टिकुलर एक सर्टिफाइड डॉक्टर जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, वो आपको एस्पायरोडर्मा क्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में सारी इंटरव्यू है, मेरे एक फ्रेंड हैं सुब्रत गौतम, उनके पापा हैं जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, इनका नाम है पीके सिंह, ये पूर्णिया में प्रैक्टिस करते हैं एज वेल एज मधेपुरा में प्रैक्टिस करते हैं, ही इज़ अ रियल डॉक्टर। सो ये वीडियो एक रियल डॉक्टर, एक रियल होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा आपको डिलीवर करने की कोशिश की गई है इस चैनल में। वीडियो आपको समझ में आती है, अवेयरनेस वाली लगती है, तो प्लीज़ जिस तरह के इससे आपको फालतू ऑक्सीजन बढ़ाने वाले मैसेजेस फॉरवर्ड करते हो लोगों को, 5 लोगों को ही भेज देना यार, इट कैन ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन समबडीज लाइफ। और जो लोग ऑक्सीजन के लिए, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो पागल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं और वो ये सब रेमेडीज ट्राई कर रहे हैं, दे आर फाइंडिंग नो हेल्प, प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू सच पीपल। वो इनोसेंट लोग हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं इन अनअवेयरनेस वाले मैसेजेस की वजह से। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये मैसेज, आपको वीडियो आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, बिकॉज ये हेल्पफुल है, प्लीज़ डॉक्टर से शेयर कीजिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू सेव मेनी लाइफ ऑफ मेनी इनोसेंट पीपल्स लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई होम रेमेडीज नहीं ट्राई करो, होम रेमेडीज आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकता है, आपके लंग्स को स्ट्रांग कर सकता है, बट जो चीज़ डैमेज हो चुकी है, जो इतना इमीडिएटली 7 डेज के अंदर में मौत के मुंह पे लोगों को उतार रही है, उसको ठीक नहीं कर सकता है। प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज एंड लेट्स सी द वीडियो। रखा हुआ दवाई सब आज मार्केट से उठ गया। आर्सेनिक और कैम्फर का सप्ताह में 200 पावर का एक एक खुराक करके वह लेते रहे, जिससे बहुत हद तक वो बचे रहे हैं। किसी को खांसी है, श्वास फूल रहा है, खांसते खांसते वॉमिटिंग कर देता है, तो उनकी दवा अलग होती है। देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो ये आयुष मंत्रालय इनका पुष्टि करता। क्या ये आयुष मंत्रालय के द्वारा पुष्टि तो हुआ नहीं है, हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है। हाँ, कुछ व्हाट्सएप पर हमने भी ये पढ़ा है, जो कुछ दे रहा है जो लंग्स के संक्रमण को दूर कर देता है। एक व्हाट्सएप पर हमने पढ़ा है जो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, ऑक्सीजन के लेवल को ये बढ़ा देगा। तो कोई चिकित्सक जिनका कि नाम नहीं आ रहा है, अगर इस बीमारी पर, कुछ रोगी पर अगर इसका एक्सपेरिमेंट किया हो, जो एस्पायरोडर्मा के प्रयोग के बाद उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और नहीं पड़ी, ऐसा तो कुछ नहीं है। लंग्स के संक्रमण में
होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इसमें भी काम करेगा। जैसे ये जो दवाई आप पढ़ रहे हैं, इनके अलावा इपिका, ब्रोनिया, जस्टिशिया, ड्रोसेरा, सेनेगा, सेम्बुकस इत्यादि, ये सारी दवाइयाँ लंग्स में संक्रमण में को दूर करने में सक्षम है। हाँ, एक बात है, वह लक्षण के आधार पर होता है। जितनी दवाइयों के हमने नाम बोला, इनसे और अधिक दवाइयाँ हैं जो लक्षण, रोगी के लक्षण से अगर वह मेल खाता है तो वह दूर कर सकता है, और इस ये दूर कर सकता है, इसको हम मानते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस दवाई का प्रचार व्हाट्सएप पर आ रहा है, जो इस दवाई का फोटो खींच करके एक खास कंपनी का, एक दो कंपनी का मैंने देखा है, जो डाल देता है। अब वो किया गया है इसमें, जिस तरह से मार्केट में ऑक्सीजन खरीद करके लोग घर में रखने लगे, पारासीटामोल या एलोपैथी की भिन्न भिन्न दवाइयाँ लोग घर में खरीद करके रखना शुरू कर दिए, जो हम बीमार जब पड़ेंगे तब इसको खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, जिससे कि मार्केट में ये सब चीज़ का अभाव हो गया और ज़रूरतमंद लोगों को परेशानी हो गई, जो मिल नहीं रहा है। उसी तरह आज के डेट में होम्योपैथिक का ये एस्पर्मा क्यू जो है, हर एक काउंटर से ख़त्म हो गया है। लोग रोज़ हमारे यहाँ भी 10-20 करके आते हैं इस दवाई खोजने के लिए, जो और हम उससे जब पूछ देते हैं भाई क्या करोगे दवाई, तो सुनते हैं ऐसे ऐसे होम्योपैथिक दवाई में, वो हमको व्हाट्सएप दिखाता है ये दवाई खाने से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे ख्याल से ये मिथ्या है, दवाई तो है और दवाई डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, और जितनी दवाई को का हमने नाम बोला है इसमें से कोई एक दवा हो सकता है, इससे अलग भी हो सकता है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है ये मैन्यू दवाई की निर्माता कंपनी जो है कि ये साजिश हमको इसमें बुआ रहा है, जो रखा हुआ दवाई सब आज मार्केट से उठ गया। ये दवाई तो मान ली जनरल जो खांसी भी होती है हमारी, लंग्स की संक्रमण होती है, कोनो एक कोरोना एक बीमारी है, कोरोना की वजह से लंग संक्रमित होता है, लेकिन इससे अलावे भी लंग संक्रमित होता है बहुत सारा कारण में। आप देखें बहुत सारे बीमारी में हो रहा है, जैसे कि एजमेटिक है, खांसी होने पर भी ये संक्रमित हो जाता है, तभी हमारी खांसी होती है, श्वास फूलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी ये एक दवा नहीं, ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो काम आता है इसमें, और इसमें लक्षण के आधार पर तय किया जाता है जो कौन दवा की इनको ज़रूरत है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको हम बता रहे हैं, जो किसी को खांसी है, श्वास फूल रहा है, खांसते खांसते वॉमिटिंग कर देता है, तो उनकी दवा अलग होती है। अब देखिएगा किसी रोगी को रात में ही खांसी होती है और दम फूलती है, तो उनकी अलग दवा हो जाती है। किसी को खांसी होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, श्वास फूल रहा है, दम घुट रहा है, उनकी अलग दवा होती है। तो किसी एक दवा के का नाम कह करके इस बीमारी पर हम कंट्रोल कर लेंगे, इस बीमारी को हम ठीक कर देंगे, ये मुझे ऐसा नहीं लगता है। संक्रमण से बचने के लिए मैं आम लोगों को यही सलाह दूंगा, तो सप्ताह में एक बार आर्सेनिक एल्बम 200 का एक खुराक, कैम्फर 200 का एक खुराक, ये सप्ताह में एक खुराक लिया करें। इनसे क्या होगा, जो उनका वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, और वाइटल फोर्स जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बीमारी का संक्रमण का खतरा कम होगा। जिस तरह की अभी आप टीका ही लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि टीका लगने के बाद आपको संक्रमण नहीं हो सकता है एलोपैथी दवा में, लेकिन वो टीका लगा हुआ रहेगा तो संक्रमण कम होगा। उसी तरह होम्योपैथी की दवा अगर आप लेंगे तो संक्रमण अगर हो भी गया तो आप उतने खतरा में नहीं जाएंगे, आप उतनी परेशानी में नहीं जाएंगे, और जब हो गया तो इसमें जिस तरह की अभी केस हम लोग देख रहे हैं, इसमें 100% उस पर हम कितना सफलता पाएंगे इसमें अभी कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, प्राइमरी स्टेज में तो कुछ न कुछ हम लोग भी होम्योपैथिक दवा से उनका कंट्रोल करते ही हैं। लोग जाने अनजाने हमारे यहाँ आते हैं बिना टेस्ट का भी, तो रिलीफ होता ही है, सर्दी खांसी बुखार लेकर के आता ही रहता है, और लोग ठीक भी हो रहे हैं। सलाह यही देंगे जो मास्क तो लगाए ही, भीड़ भाड़ वाला जगह में नहीं जाएं,
पौष्टिक आहार लें, और हमने जो पहले दवाई बताया है आर्सेनिक और कैम्फर का सप्ताह में 200 पावर का एक एक खुराक करके वह लेते रहें, जिससे बहुत हद तक वो बचे रहेंगे। आम जनता को मैं यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि किसी अफवाह में फंस करके दवाई खरीद करके अपने घर में न रखें। वह दवाई किसी काम का उनके लिए नहीं होगा। ये कंपनियाँ की दवाई बिकेगी लेकिन आपको कोई लाभ नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर जब आपको कोई कष्ट हो, डॉक्टर अगर कोई लिखते हैं दवाई, तब उसी दवाई को आप खरीदें। व्हाट्सएप पर करके कोई दवाई मत खरीदें। आज मार्केट से दवाई खत्म हो चुकी है और बिक गई, आप खरीद करके सिर्फ रख रहे हैं घर में। उस दवाई के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं, उसकी बहुत सारी व्यापक उनका जरूरत है, जो डॉक्टर के ही पास जरूरत है। आप एक नाम पर दवाई लिए हैं, कल उसको आप फेंक देंगे, नाहक पैसा उसमें मत फंसाइए। हम यही अंतिम अंत में भी कहेंगे, जो व्हाट्सएप पर करके दवाई की खरीदारी नहीं करें।